पे नॉक हुई है, कहीं वो लोग आ तो नहीं गए हैं। हम लेके रहेंगे आजादी है हक हमारा, आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी। और चेक करो दरवाजे पे नॉक हुई है, कहीं वो लोग आ तो नहीं गए हैं। वहां के मेरे को पीटीआई पीटीआई की कैब को है, हम लेके रहेंगे हाय माफी तुम्हें देनी पड़ेगी ये माफी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब देखना हम 9 मई के वाकयात की ना भरपूर मजम्मत करते हैं और शदीद डरपोकों की तरह खांसा को तंतना छोड़ के ना पतली गली से दाल फैन हो जाते हैं, तो भला बंदा पूछे कितना भटक्कर के लोग जो कहते थे कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, हम जिहाद करें। इतना चिड़ी दिल था आपका, इतना कमजोर जिहाद था कि 2 दिन आप ना जेलें बर्दाश्त न कर सके। वो लोग जिन्होंने अपने मुखालफी में ना झूठे मुकदमे करके उनको इतना लंबा अरसा जेलों में रखा, ना बेड देते थे ना एसी देते थे, और तो और खांसा उनकी वीडियो देख देख के ना चस्के लिया करते थे। तो क्या हुआ नेक्स्ट ऑफ अड्डिया लगाते गाते जब आपकी अपनी बारी आ गई तो किसी के दिल में जिक्र का दर्द होना शुरू हो गया, तो किसी के दूध के दान गिनना शुरू हो गए हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा के अजीम लीडर की ना कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। खान साहब आपने 24 घंटे अपना टॉयलेट रोक के रखा, लेकिन पूरी पार्टी 24 घंटे जेल बर्दाश्त न कर सकी है। अभी जो टक्कर के लोग ना आपस में पेड़ों की तरह खुद टकरे मारते फिर मगों में बाल्टियों में दीवारों में है, और सोशल मीडिया के बैठे हुए जो लोग गालियां दे रहे हैं उनको आप कह दें कि इनका इमरानी इंकलाब जो है ना गटर में बह गया, और अपने लिए ना इस किस्म की चीजें ऑर्डर कर लें और ना चुप करके इसमें दबक के बैठ जाए। खान साहब को मैंने पहले रख दिया ताकि आप लोग लोनली फील ना करें और ट्विटर स्पेसिस के अंदर ना टुस टुस करके तस्वीर बहाते रहे। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट खान साहब, मैंने आपसे पूछना था, आप कहते हो तो ना कि मैंने अगले की एक बॉल के ऊपर 3 विकेटें गिरा दी है, तो खान साहब कैसा महसूस हो रहा है? उन्होंने